हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार ने हाल ही में ये जो कास्ट बेस्ड जो है सर्वे जारी कर दिया है, जिसमें ओबीसी ईबीसी अकाउंट पर बोल रहा है कि ये बिहार गवर्नमेंट रिलीजियस कास्ट सर्वे डाटा ओबीसी ईबीसी अकाउंट फॉर 63% ऑफ पॉपुलेशन। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह जो है जारी कर रहे हैं, जिसका आपको पता होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी हमारे हैं, उनका तबियत खराब है। वर्तमान में अमीर सुभानी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका जो तबियत खराब है, तो अभी तो इसी कारण जो है दोस्तों, देखिए जो बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक कुमार सिंह हैं, उन्होंने जो है कास्ट सर्वे डाटा जारी किया है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो बनाने का दोस्तों ये मेरा मतलब मेन जो मोटो है ये बताना कि दोस्तों सर्वे और सेंसस दोनों में अंतर होता है। और इसी बात के लेकर के दोस्तों, जब बिहार सरकार 7 जनवरी से स्टार्ट किया था जो कास्ट बेस्ड सर्वे, उसको लेकर के हाईकोर्ट में एक अपील केस फाइल किया गया था, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने इसे पूरे प्रोसेस को लगभग कुछ 1 महीने या 2 महीने तक क्या कर दिया, रुक लगा दिया था। उनका जो जो पिटिशनर थे, उनका दावा था कि जो ये जनगणना है, जनगणना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रव्यू में आता है, जुडिक्शन में आता है, राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार कभी भी जनगणना नहीं करा रही है, ये दोस्तों सर्वे करा रही है। सर्वे का मतलब दोस्तों होता है गणना, और जो सेंसस होता है उसका मतलब जनगणना। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो देखिए, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। द पॉपुलेशन सेंसस इज यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ स्पष्ट है कि ये जो पॉपुलेशन सेंसस होता है, यानी जातिगत जो ये जो जनगणना होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 246 के तहत है, यूनियन सब्जेक्ट है दोस्तों। 7, आपको पता होगा कि 12 अनुसूची है, जिसमें से 7 जो अनुसूची है वो बताती है कि कौन सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट में आएगा, कौन स्टेट लिस्ट में आएगा और कौन कंट्रेट लिस्ट में आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार जो है बिहार सरकार ने अपने ये हलफनामे में बताया कि मैं जो है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कि मैं सर्वे करा रहा हूँ, मैं सेंसस नहीं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, क्या है ना कि इस टॉपिक को लेकर के बहुत लोगों में भ्रम है। कोई अधिकांश जो आप देखिए कि जो देश भर के जो यूट्यूब मीडिया चैनल है बड़े बड़े जो है, वो क्या बोलते हैं कि बिहार जो है जातिगत जनगणना करवा रही है, जातिगत जनगणना, बार बार शब्द आता है जातिगत जनगणना। दोस्तों आप क्लियरली ध्यान रखिएगा कि ये दोस्तों जातिगत जनगणना नहीं है दोस्तों, ये जातिगत गणना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार, बिहार जाति आधारित गणना न कि जनगणना। ठीक है दोस्तों, इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जो वीडियो है ये तो आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ही दोस्तों। ये जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यह 67th बीपीएससी का, जो कि 11 अक्टूबर से जो आयोजित होने जा रही है दोस्तों, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू मेंबर पूछे कि बताइए बिहार जाति आधारित जनगणना से आप क्या समझते हैं, इसका क्या रिलेवेंस है। तो दोस्तों वहां पर आपको हो सकता है कि ट्रैप करने के लिए जनगणना शब्द बोल दे, लेकिन आप अपना वहां पर जरूर बताइए कि पोलाइटली, बहुत विनम्रता पूर्वक बताइए दोस्तों कि सर ये जो है जाति आधारित जनगणना नहीं है, जाति आधारित गणना है, सर्वे है दोस्तों, कास्ट बेस्ड सर्वे है। इससे क्या होगा कि उन पर बहुत अच्छा इमेज आपका प्रभाव पड़ेगा, उनको समझ में आएगा कि लड़का जो है, जो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पकड़ है इस टॉपिक पर। इससे क्या होगा कि आप लोग को एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है, कि हो सकता है कि मान लीजिए उन्होंने जातिगत जाति आधारित जनगणना बोला, आप भी जातिगत बार बार बोल रहे हैं जनगणना, तो समझ जाएंगे लड़का को, जो स्टूडेंट है, जो भी लड़का लड़की दोस्तों, जो स्टूडेंट है उसको इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, मेरा उद्देश्य यही था दोस्तों, आप लोग को बताना ये जो सर्वे और सेंसस में दोनों में अंतर है, जरूर उस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज क्लियरली लिखा हुआ है बिहार सरकार, बिहार जाति आधारित गणना 2022, जो पिछड़ा वर्ग है, जो भी है सब दिया, कुटवार से दिया हुआ है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है जो भी है दोस्तों। यहाँ पर मेन है यही है कि बिहार गवर्नमेंट रिलीजियस कास्ट सर्वे डाटा ओबीसी ईबीसी अकाउंट फॉर 63% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पिछड़े वर्ग है बिहार में, उनकी जो आबादी है, वो उनका जो परसेंटेज है कुल आबादी में 63% है, बाकी और लोग भी अल्पसंख्यक है, माइनोरिटीज है, सवर्ण है, अगड़े सारे लोग हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरा मूल उद्देश्य यही था, आप लोग बताना। और हाँ दोस्तों, मैं
इसी प्रकार की अगर छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। दोस्तों, आने वाले भविष्य में मैं इसी तरह छोटे छोटे जानकारियां जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उसको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर के जो भारत में जो है चर्चा छिड़ी छिड़ी हुई है कि ये सही है या गलत है, इसको जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर है, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका जो विचार है उसको भी मैं साझा करूंगा आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, तो इस तरह का आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं वीडियो को यही पर अंत करता हूँ। धन्यवाद।